हेलो बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक चल रहा था। जैसा कि आपको पता ही है, पिछले टर्म पर इम्परेटिव सेंटेंस आपने पढ़े थे लेट वाले, आज ऑप्टेटिव सेंटेंस कराना है। फिर एक और आपका बचेगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि मे से स्टार्ट होते हैं हमेशा, और इसमें तीन तरह के सेंटेंस आते हैं आपके, प्रेड यानी प्रार्थना वाले, कर्ज यानी श्राप, और विज्ड यानी शुभकामना। तो अगर प्रार्थना वाले कोई सेंटेंस आते हैं, चाहे सेड हो या सेड टू हो, उसकी जगह हम लगाते हैं प्रेड, और श्राप के लिए हम लगाते हैं कर्ज्ड, सेड हो या सेड टू हो, और शुभकामना के लिए हम लगाएंगे विज्ड। ये सारे सेंटेंस लगेंगे चाहे सेड हो या सेड टू। अगर प्रार्थना वाले सेंटेंस आएंगे तो सेड या सेड टू की जगह हम प्रेड लगाएंगे, श्राप वाले आएंगे तो हम कर्ज लगाएंगे, और शुभकामना के लिए हम विज लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ पर भी दैट लगता है। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं तब पता चलता है। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, मे से स्टार्ट होता है हमेशा, मे गॉड ब्लेस यू। तो देखिए, गॉड से कोई बात होगी तो वो प्रार्थना ही होती है, तो आप इनकी जगह क्या लगा देंगे, ही प्रेड मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह बताया था दैट। फिर सेंटेंस में हम पहले गॉड यानी सब्जेक्ट को पहले आएंगे, मे को हम अंदर ले जाएंगे बाद में, जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते थे। तो गॉड और मे को जब आप अंदर लाएंगे तो मे को बदल देंगे हम माइट में, गॉड माइट ब्लेस, और यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट की बदलता है, जैसे बदलते थे वैसे बदल देंगे। तो मी है, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, तो मी का यहाँ पे हम मी ही रहने देंगे। मे तो हो जाएगा आपका ही प्रेड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे ऑप्टेटिव। इसका एक रूल और है, वो भी देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं। सेंटेंस में गुड नाइट या गुड बाय आता है, तब हम सेड या सेड टू की जगह लगाएंगे बेड। और अगर बाय द वे गुड मॉर्निंग या फिर कोई भी फेस्टिवल आ जाए, दशहरा दिवाली, तो जैसे आप बोलते नहीं हैप्पी दशहरा हैप्पी दिवाली, तो वो तो विश करना ही होता है ना। तो एनी फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल आ जाए, उस कंडीशन में हम विज्ड लगाते हैं। लेकिन गुड नाइट, गुड बाय, गुड मॉर्निंग या कोई फेस्टिवल आएगा, उस कंडीशन में इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो दैट लगाते थे उसका यूज़ हम यहाँ नहीं करेंगे। जैसे अगर हम कहें कि राम सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो आप लिखेंगे राम विज्ड मी गुड मॉर्निंग, दैट वैट या कोई भी कंजक्शन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज करते हैं। द हर्मिट सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। हर्मिट बोलते हैं साधु को, द टीचर सेड टू मी मे गॉड हेल्प, मे गॉड हेल्प यू। द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा
मे यू गेट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन आई सैड कॉमा डॉट कॉम मे यू डाई शी सैड टू मी कॉमा डॉट कॉम हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है द हर्मिट सेड मे यू गो टू हेल। हेल मतलब होता है नरक, तो नरक में जाओ तो ये आपका श्राप हो गया, कर्ज्ड। तो अब आप यहाँ पे सेड या सेड टू की जगह लगाएंगे कर्ज्ड। द हर्मिट कर्ज्ड इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब ये यू प्रोनाउन तो चेंज होगा ही, आगा ऑब्जेक्ट की बदलता है। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मान लेंगे। तो जैसे द हर्मिट सेड टू देम, यानी सभी को बोल रहे होंगे कि नरक में चले जाओ, या कोई पर्टिकुलर एक होगा। तो अगर हम यहाँ देम मानते हैं तो यहाँ दे हो जाएगा, अगर मी मानेंगे तो आई हो जाएगा। तो चलिए दे कर देते हैं, दे मे अंदर आएगा, माइट गो टू हेल। द हर्मिट कर्ज दैट दे माइट गो टू हेल। फिर देखिए यहाँ पे गॉड, तो गॉड से रिलेटेड कुछ होता है तो वो प्रेड ही होता है। द टीचर प्रेड मी दैट, गॉड पहलाएंगे हम, फिर मे को बाद मिलाएंगे, माइट हेल्प यू आपका फिर ऑब्जेक्ट के लिए बदलेगा तो मी का मी ही रहेगा। यहाँ पे आपका हो रहा मे यू गेट फर्स्ट पोजीशन, ये आपका शुभकामना है, यानी यहाँ पे हो जाएगा विज्ड। द टीचर विज्ड दैट, अब यहाँ पे फिर हम, तो यहाँ पे आप मान लीजिए आई, क्योंकि सब लोग फर्स्ट नहीं आ सकते, कोई एक ही के लिए बोल रहे होंगे तो यहाँ पे मी कर देते हैं, मी का यहाँ पे आई, या फिर आप ही भी कर सकते हैं, आई माइट गेट फर्स्ट पोजीशन इन द एग्जामिनेशन। देखिए मे यू डाई, ये तो सेंटेंस पढ़ने ही से पता चल जा रहा है कर्ज्ड है। आई कर्ज्ड दैट, तो ऑब्जेक्ट के लिए बदलिए, तो ऑब्जेक्ट के लिए बदलिए दैट, ये मान लेते हैं, मान लिया आई सेड टू हिम, तो ही माइट डाई। और ये हैप्पी न्यू ईयर, तो हमने बताया था कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, ये सब कोई आ जाता है फेस्टिवल, तो विज्ड ही होता है और कंजक्शन कुछ नहीं लगाते हैं। तो आपका हो जाएगा शी विज्ड मी दैट हैप्पी न्यू ईयर, आप पूरा ऐसे उतार देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये आपका ऑपरेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, एक बचा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और कुछ पैराग्राफ वाले सेंटेंस, तो दो टॉपिक और हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग।